अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से शीरखुरमा बनाएंगे। बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करेंगे, फिर भी ये टेस्ट में बहुत अच्छा बनता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। आपको जितना शीरखुरमा बनाना है उस हिसाब से आप क्वांटिटी ले सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, इससे शीरखुरमे में अच्छा फ्लेवर आता है। 1.5 लीटर दूध के लिए मैं इसमें 250 ग्राम चीनी डाल रही हूँ, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, अब दूध में एक उबाल आ गया है, हम इसकी फ्लेम को अब लो कर देंगे। शीरखुरमे के टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल रही हूँ। तो एक हाथ से इसमें मिल्क पाउडर डालते रहेंगे और दूसरे हाथ से इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। मिल्क पाउडर डालने से शीरखुरमे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो अगर आपके पास है तो ज़रूर इसमें ऐड करिए। अब लो फ्लेम पर हम इसे ऐसे ही कुछ देर पकने रखेंगे, जब तक एक दूसरी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालिए। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो मैं ले रही हूँ चिरंजी, बादाम, थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता, थोड़ी सी किशमिश, काजू और सूखे खजूर। किशमिश को छोड़कर मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स को पानी में कुछ देर तक उबाल कर इन्हें बारीक कट कर लिया है। आप इन ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने इन्हें सॉटे करते हुए रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे दूध में ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सेम इसी तरह से सेवियों को भी रोस्ट कर लेंगे। तो उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालिए। ये मैं 125 ग्राम सेवियाँ ले रही हूँ। इसे हल्का सा तोड़कर हम इसे भी अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने घी में सेवियों को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। इसे भी दूध में ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। रोस्टेड सेवियाँ डालने के बाद हम इसे लास्ट 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो देखिए, अब हमारे शीरखुरमे की रेसिपी मुकम्मल हो गई है। बहुत ही सिंपल रेसिपी थी और बहुत ही आसानी से हमने इसे बना लिया है। टेस्ट में ये वाकई में बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। इस तरीके से ये जल्दी भी बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।